तो फिल की फैमिली क्या होता अगर रे मिस्टीरियो सुपर हेवी वेट यानी कि थोड़े ज्यादा लंबे और थोड़े ज्यादा मोटे रहते तो क्या वो एक नंबर पे आके मेंस रॉ रंबल जीत सकते हैं या नहीं? आज की इस गेम प्ले में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलो फिर आज के गेम प्ले किया जाए स्टार्ट। और जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है एकदम फटाक से वीडियो को लाइक करो और अगर भाई आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ऐसे ही सब ऊट पटाक मैचेस देखने के लिए एकदम कर ही लो अभी तुरंत सब्सक्राइब। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है, एक नंबर से आके सुपर हेवी वेट मिस्टीरियो जीत सकते हैं या नहीं? रॉक के साथ स्टार्ट किया, अरे रे रे रे, सबके पास तीन तीन फिनिशर है बता दे रहा हूँ। रॉक को थोड़ा हेवी पड़ रहे हैं लेकिन रॉक संभाल लेंगे। रॉक ने पहले भी सुपर हेवी वेट सुपरस्टार्स को हराया है। रॉक बॉटम लगा दिया, रॉक बॉटम तो लगा दिया है लेकिन रॉयल रंबल है ना तो बाहर करना है मेरे भाई। जब तक बाहर नहीं करेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। बाहर करने की कोशिश, इतनी जल्दी सुपर हेवी वेट मिस्टीरियो बाहर, इतने देर बाहर नहीं हुए यानी कि नहीं हो रहे हैं। कौन आ रहा है? सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो कि मेरे लास्ट रॉयल रंबल में नहीं आ पाए थे, ग्लिच हो गया था। तो क्योंकि अभी रॉयल रंबल आ रहा है तो अभी एक्सपेक्ट करो कि बहुत सारे रॉयल रंबल के अलग अलग टाइप के वीडियोस आएंगे लेकिन आते रहेंगे। और ऐसे आप लोग भी कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हो कि आपको किस टाइप का रॉयल रंबल देखना है। कि मिस्टीरियो सुपर मिस्टीरियो बन गया है लेकिन हाई फ्लाइंग मूव्स में जरा से भी कमी नहीं लग रही है। लगता है सेथ रॉलिंस को जीतना है पर जब तक सुपर हेवी वेट मिस्टीरियो को बाहर नहीं कर देते तब तक ये मैच कोई नहीं जीतने वाला है। नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है और अभी कोई बाहर जाने वाला है। रॉक आई थिंक बाहर हो सकते हैं, रॉक बाहर हो सकते हैं। चार नंबर पे ऑनररी यूज सैमी ज़ेन आ रहे हैं। रॉक बाहर जाएंगे, आई थिंक बच जाएंगे, रॉक की हेल्थ है। तीन आदमी मदद नहीं कर सकता वरना सैमी ज़ेन जरूर जाता रॉक को बाहर करने के लिए क्योंकि सैमी ज़ेन का सिर्फ एक ट्राइबल चीफ है और वो है रोमन रेंस ना कि रॉक। रॉक वर्सेस सैमी ज़ेन मेरे को देखना है लेकिन रे मिस्टीरियो ने पकड़ लिया सैमी को। सैमी की अब चटनी बनेगी, आई थिंक ऑनररी उसकी चटनी बनने वाली है। नंबर फाइव भी आने ही वाला है, सैमी ज़ेन को बहुत मार पड़ रही है भाई। सेट अरे फिनिशर नहीं दे सकते सेट, रॉक स्प्लैश के लिए जा रहे, नहीं 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 दे दिया। ऑनररी यूज से नाम हटाकर अब चटनी यूज नाम रख लेना चाहिए सैमी ज़ेन को क्योंकि सैमी ज़ेन की चटनी बन गई है, बहुत गंदी वाली। जिस सुपर हेवीवेट वजन के साथ रे मिस्टीरियो लैंड किए हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, सैमी ज़ेन की दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं बेचारा कैसे खड़ा है, वही जानता है। नंबर पर जॉन सीना है, ये मैंने ध्यान में नहीं दिया सैमी ज़ेन की वजह से। सैमी ज़ेन, मेरी सिंपति सैमी ज़ेन के साथ है, सैमी ओपी कर लो भाई, दुख सैमी का बांटो। अब सीना की बारी, ओ भाई साहब, सीना के ऊपर भी फ्रॉग स्प्लैश। छह नंबर पे आ रहे रोमन लेकिन ट्राइबल चीफ अपने ऑनररी यूज से रिंग के अंदर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऑनररी यूज बाहर जा चुका है। और आई थिंक सीना, नहीं नहीं बाहर तो नहीं होने चाहिए सीना, नहीं मुझे नहीं लग रहा बाहर जाएंगे। रॉक पे अटैक करना चाह रहे रोमन लेकिन रॉक पलटे आ रहे, रॉक वर्सेस रोमन। ऐसे भी रेसलमेनिया 39 में हो सकता है और हो सकता है कि रॉयल रंबल में, रियल रॉयल रंबल में रॉक रिटर्न आ जाए। रोमन जा रहे अब सीना ही पीछे, फूटने के साथ स्पीयर दिया। रॉक और रे मिस्टीरियो अभी तक टिके हुए एक और दो नंबर से और मिस्टीरियो अब लगता है रॉक को टिकने नहीं देंगे। सात नंबर पे ठंडे पत्थर यानी कि स्टोन कोल्ड ला रहे हैं भाई, बहुत बार रॉयल रंबल जीता है, तीन तीन बार इनफैक्ट सबसे ज्यादा रॉयल रंबल जीता है, क्या आज भी जीतेंगे? रे मिस्टीरियो मत भिड़ो, ऑस्टिन से लड़ने का एक ही मतलब मिस्टीरियो कि पड़ेगा। और सेट बाहर जा रहे हैं, सेट आई थिंक बाहर गए, बाहर चले गए, सेट एलिमिनेट हो गए और रे को आई थिंक स्टनर पड़ने वाला है। गलत आदमी से पंगा ले लिया रे, स्टनर एक बार लगना शुरू हुआ ना दुकान लगा देंगे रैडल स्नेक। आठ नंबर पे कोई आने वाला है, रैडल स्नेक वर्सेस रे मिस्टीरियो। और रोमन का ध्यान सीना और रॉक दोनों पे बराबरी का है, ये बात माननी पड़ेगी, दोनों ही मेन दुश्मन है रोमन के, सीना और रॉक। रैंडी ऑर्टन भी आ चुके हैं, रे को अभी तक कोई बाहर नहीं कर पाया लेकिन रे टिके हुए गिलिटीन। रोमन को फिनिशर बचा के रखने की आदत नहीं है, ये साफ दिख रहा है, गिलिटीन भी लगा दिया। और रे मिस्टीरियो बस आ रहे, अभी तक सिर्फ दो आदमी एलिमिनेट हुए हैं, सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंग्स, और रॉक भी बाहर। तीन आदमी अब एलिमिनेट हो गए भाई, रे अभी तक पता नहीं कैसे टिके हुए हैं, रॉक तो बाहर जा चुके हैं। ऑर्डर मुझे लगा एलिमिनेट करने के लिए लेके जा रहे हैं, इरादा चेंज कर दिया ऑर्डर ने। अंकल हाउडी नौ नंबर पे, अंकल हाउडी को कौन एलिमिनेट करेगा भाई, ये भी खतरनाक सुपरस्टार है अंकल हाउडी। रोमन की तरफ, रोमन आई थिंक बाहर हो गए, हाँ रोमन बाहर हो गए, रे मिस्टीरियो ने बाहर कर दिया रोमन रेंस को। रे मिस्टीरियो अभी तक बने हुए और जिस हिसाब से बने हुए लग रहा है कि रे मिस्टीरियो जीत सकते हैं, नहीं तो फाइनल थ्री तक तो जा सकते हैं मिस्टीरियो।
दस नंबर का सुपरस्टार बचा हुआ है, पता नहीं दस पे कौन है। ये फाइनल आदमी है, जो भी आ रहा है फाइनल आदमी है टेन मैन रॉयल रंबल का, जो भी ये दस नंबर पे सबसे ज्यादा एडवांटेज लेके आ रहा है, कौन है वो? एजी स्टाइल्स, खतरनाक द फिनोमिनल वन एजी स्टाइल्स आ रहे दस नंबर पे, लेकिन ऐसे ज्यादा फायदा नहीं है, नौ के तुरंत बाद ही दस आ गया है, तो यही फाइनल सुपरस्टार है, इनमें से कोई एक जीतेगा रॉयल रंबल, लेकिन वो सुपरस्टार कौन सा होगा? ड्रीम मिस्टीरियो अभी तक टिके हुए हैं एक नंबर से आकर, सुपर हैवीवेट मिस्टीरियो सीना बाहर जा सकते थे, बच गए सीना, ये फाइनल छह लोग हैं, अंकल हाउडी वर्सेस सुपर हैवीवेट मिस्टीरियो, कौन जाएगा बाहर? बाहर ले जा रहे, फिनिशर से बाहर कर सकते हैं एक्चुअली, रैंडी ऑर्टन को ए लगा दिया है सीना ने, मिस्टीरियो को बाहर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अंकल हाउडी, आई थिंक बाहर कर सकते हैं, नहीं अभी इतना देर नहीं हुए, यानी कि नहीं होंगे बाहर, ऑब्वियस था, एजे स्टाइल्स भी लगे हुए ऑर्टन के साथ। वैसे आप लोग रियल रॉयल रंबल 2023 किसको जीतते हुए देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ, और रोमन रेंस मत बोलना, क्योंकि रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तो ऑब्वियसली वो मैच में तो नहीं है, मेंस रॉयल रंबल में स्टनर लगा दिया ऑर्टन को, एक सांप दूसरे सांप से लड़ रहा है, दो दो सांप का खेल एक साथ, अंकल हाउडी, अच्छा सिस्टर एबिगेल के लिए जा रहे थे, चुड़ैल शॉट दिखाने वाले थे, लेकिन एजी साइंस ने खराब करवा दिया, एजी साइंस अच्छी बात नहीं है, चुड़ैल शॉट जब फेल गेम फैमिली देखना चाहती है तो फिर देखने दो एजे, अच्छा इन छह सुपरस्टार ने अपना पैर जमा लिया है, लेकिन कितना भी पैर जमा लो कोई ना कोई बाहर जाने वाला है, एजे स्टाइल्स कैसा लग रहा है कि नंबर नहीं 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 बच गए, एजे स्टाइल्स बचे हुए, फिर से दो सांप आपस में लड़ चुके हैं, सब एक दूसरे को मार रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको मारेगा, सांप दोनों सांप आपस में, एक रिंग में दो सांप नहीं रह सकता, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, स्टनर लगा दिया मिस्टीरियो को, स्टनर लगा है, बाहर कर सकते थे, अभी अच्छा टाइम था, स्टंट थे मिस्टीरियो, बहुत अच्छा मौका था, मिस कर दिया, ये स्टाइल मारने का टाइम नहीं है, स्टोन कोल्ड अभी बाहर कर सकते थे, गलती की, बहुत अच्छा मौका था, अब लगता है एचएस स्टाइल्स आई थिंक बाहर हो सकते हैं, सब रिंग के कॉर्नर ही में घूम रहे हैं, कोई भी कभी भी अचानक से एलिमिनेट हो जाएगा, और रे मिस्टीरियो के एक और स्टनर, एजे स्टाइल्स बाहर चले गए, मैंने बोला ना सब रिंग के कॉर्नर ही में घूम रहे थे, लगा मेरे को कोई बाहर होने वाला है, और अंकल हाउडी और रैंडी ऑर्टन दोनों एक साथ बाहर होने वाले हैं, अंकल हाउडी लटक चुके हैं और रे मिस्टीरियो इंतजार कर रहे हैं, अच्छा मदद भी कर रहे, ओके रैंडी ऑर्टन बाहर नहीं हुए, लेकिन आई थिंक अंकल हाउडी हो जाएंगे, अंकल हाउडी भी बाहर नहीं हुए, खतरनाक, सीना ने एक और ए लगा दिया ऑर्टन को, पर बाहर नहीं कर रहे हैं सीना, ये गलती कर रहे हैं, रियो और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी मिलके बाहर नहीं कर पाए, लेकिन होंगे, अंकल हाउडी का भी चांस आएगा, या फिर जीतने वाले अंकल हाउडी, कोशिश की मिस्टीरियो को बाहर करने की, लेकिन कोशिश बेकार नहीं गई है, ऐसा मैं बोलना चाहता था कि बेकार गई है, लेकिन नहीं गई, क्योंकि अंकल हाउडी ने बाहर कर दिया फाइनली, पर अभी हम लोग रॉयल रंबल खत्म नहीं करेंगे, जब यहां तक आ गए तो विनर को भी देख ही लेते हैं, एक नंबर से आके मिस्टीरियो नहीं जीत पाए और सीना ने लगा दिया ए, और अंकल हाउडी आई थिंक बाहर जाने वाले हैं, लग रहा है मेरे को, स्टोन कोल्ड वर्सेस जॉन सीना कभी नहीं हुआ आज तक, अंकल हाउडी इतना देर बाहर नहीं हुए, यानी बाहर नहीं जाने का मूड है इनका, अंकल हाउडी लगता है आज जीत के ही जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे अंकल हाउडी के, जॉन सीना भी स्टंड है, स्टोन कोल्ड के पास बहुत अच्छा मौका है बाहर करने का, लेकिन बाहर कर रहे नहीं है, मैंने बोला था ना अंकल हाउडी है खतरनाक, रैंडी ऑर्टन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बाहर हो पाएंगे नहीं लग रहा मुझे, सीना आई थिंक बाहर जाने वाले, शायद जा सकते हैं सीना बाहर, हेल्थ नहीं है सीने के पास, गए बाहर, नहीं नहीं नहीं, अरे गए गए गए, सीना बाहर चले गए और अंकल हाउडी नहीं गए, फाइनल तीन आदमी बचे हैं, रैटल्स ने एक वाइपर, अंकल हाउडी ने मैंडिबल क्लॉ लगा दिया, रैंडी ऑर्टन की बची कुची हेल्थ गई, मुझे लग रहा है भाई अंकल हाउडी जीत के जाने वाले हैं, जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दिखाई, ओके सारी परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी कर दी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, एक और स्टनर, ये था बैडएस, खतरनाक था भाई ये, तो डेफिनेटली अंकल हाउडी को बाहर जाना ही है, बैक टू बैक दो स्टनर, तिनी मार पड़ने के बाद भी अंकल हाउडी बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, कतई नहीं, दोनों मिलके काम कर रहे, दो सांप एक साथ डसने वाले अंकल हाउडी को, दो दो सांप के साथ रहोगे अंकल हाउडी, कोई ना कोई तो डसेगा, ये पक्का है, स्टोन कोल्ड बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश बहुत बार हो चुकी है लेकिन अंकल हाउडी बाहर ही नहीं जाते हैं,
और मुझे नहीं लगता अभी भी बाहर जाने वाले हैं। ना ना ना, ये भाई साहब इतनी आसानी से बाहर नहीं होंगे। कुछ एक्सट्रीम करना होगा, बॉटन आरकियो लगाओ, स्टोन कोल्ड स्टनर लगाओ, तब बाहर हो सकते हैं। स्टोन कोल्ड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, दोनों सांप एक साथ काम कर ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई डस देगा पहले। रैंडी ऑर्टन और स्टोन कोल्ड, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आरकियो देना चाहिए था, आरकियो है क्या है तो ऑटन, दो दो आरकियो। अंकल आउडी मेन खतरा है, याद रखना। देखो क्या क्या कर रहे हैं अंकल आउडी साइड में जाकर। इन भाई साहब को बाहर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आरकियो, अरे आरकियो बढ़िया, अंकल आउडी को दोनों मिल के मार रहे हैं, ये अच्छा है। दोनों को समझ में आ गया कि मेन खतरा अंकल आउडी है, पहला मौका मिले बाहर करो। स्टोन कोल्ड साइड में खड़े होके गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। स्टोन कोल्ड सर ऐसे मत करो, अंकल आउडी को डीडीटी भी लगा दिया लेकिन बाहर नहीं जाएगा ये आदमी, कितनी भी मेहनत करवा लो। स्टनर के लिए उठा रहे थे आई थिंक स्टोन कोल्ड। चलते हुए मैच के बीच में ऐसा आरकियो बनना है अंकल आउडी को, अब लगेगा आरकियो, दो दो आरकियो। ऑटन पता नहीं क्यों बचा के रखे हुए भाई, क्या करना है, दो तीन आरकियो, बल्कि तीन आरकियो एक सिग्नेचर भी है। स्टोन कोल्ड और रैंडी ऑटन फुल मिलके काम कर रहे हैं, ऊपर कर दिया, फाइनली बाहर कर दिया, मिलके बाहर कर दिया है। और अब रिंग के अंदर दो दो सांप, मैच को रेफरी की नहीं बल्कि सपेरी की जरूरत है, क्योंकि दो दो सांप है। लेकिन डसेगा कौन, रैटल स्नेक या फिर द वाइपर? एक आदमी डसने वाला है और आज का रॉयल रंबल जीतने वाला है। सुपर हेवी वेट मिस्टीरियो नहीं जीत पाए, लेकिन इन दोनों में से कोई जीतेगा। कौन सा सांप जीतने वाला है, जल्दी से कमेंट करके प्रिडिक्शन बता दो भाई, मैच खत्म होने से पहले। वाइपर यानी कि रैंडी ऑटन या फिर रैटल स्नेक यानी कि जानी रो ठंडा पत्थर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन स्टंड है। ऑटन के पास बहुत अच्छा मौका है, आई थिंक वाइपर जीत गया, वाइपर जीत गया, वाइपर जीत गए। रैंडी ऑटन ने डस लिया है रैटल स्नेक से, ज्यादा खतरनाक सांप निकला द वाइपर। रैंडी ऑटन आज का रॉयल रंबल जीत गए। और अब टाइम है मेरे रिप्ले का यानी अरमान रिप्ले का, तो चलो उसको देखते हैं। फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहे, नहीं नहीं नहीं, दे दिया ऑनररी यूज से नाम हटाकर, अब चट्टी यूज नाम रख लेना चाहिए सैमी सेन को, क्योंकि सैमी सेन की चट्टी बन गई है। तो फिल गेम फैमिली, अगर मेरी कल की वीडियो मिस कर दी तो वो अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको जाकर देख लेना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, लाइक नहीं किया है फटाक से कर लो। और याद रखो डेली 6:30 बजे शाम में वीडियो आएगी, और मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखो, सेफ रहो, मास्क पहनो, टाटा टेक केयर, बाय बाय।